राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग जानी। आज अध्यक्षी पीठ पर विराजमान डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप निदेशक हैं अयोध्या शोध संस्थान के, हमारे मार्गदर्शक एवं संरक्षक भी हैं रामायण केंद्र भोपाल के। मंच पर आकर आप अपने आशीर्वचन प्रदान करें, आमंत्रित हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी। प्रणाम। सबसे पहले तो हमें इस शब्द पे आपत्ति है कि आशीर्वचन हम कैसे दे सकते हैं, बड़े गुणी लोग हमारे इस मंच पर जुड़े हुए हैं, हम सबका सुनना चाहते हैं, सुनकर के ही हम अपना आगे का कार्य करेंगे और केवल अपने अनुभव हम आपसे जरूर साझा करेंगे। अनुभव हमारे पास जरूर इस संबंध में कुछ आप लोगों से अतिरिक्त होगा। मैं राजेश जी और उनकी सभी टीम के साथ सबका आभारी हूं कि आप लोग अपने इस व्यस्त समय में कुछ समय निकालते हैं। रविवार का दिन हमारे अपने निजी कार्यों के लिए होता है, लेकिन रविवार के दिन में हम लोग वेबिनार के माध्यम से जुड़ रहे हैं और बिंदु दारा सिंह जी का मैं बहुत आभारी हूं कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं और अपने पिता की तरह ही श्रेष्ठ कलाकार के साथ साथ आप अच्छे व्यक्तित्व के भी हैं। आपके जुड़ने से हम लोगों को एक उत्साह उत्पन्न होता है और रघुवीर यादव जी का भी मैं आभारी हूँ कि जब तक ग्लैमर के लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं तो हमारा जो ये अभियान है ये बहुत तेजी नहीं पकड़ता है। और भी जो लोग इसमें जितने भी लोग हैं, कुमायूं की रामलीला के से भी जो लोग जुड़े हैं, कुमायूं एक बहुत प्राचीन शैली की रामलीला होती है, तो राजेश जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने मित्र मंडली में और ऐसे लोगों को भी ये जोड़ रहे हैं जो कला और कला के क्षेत्र में एक लोक से लेकर के जो एक ग्लैमर की दुनिया से भी लोग आए हैं। मैं सबसे उनसे अनुरोध ये करूंगा, पिछले में जो हम लोगों ने बात की थी कि हमें एक मॉडल रामलीला रामायण बनानी पड़ेगी। अगर दीपावली तक स्थिति ठीक होगी तो वो दीपोत्सव के अवसर पर हम लोग भव्य दीपोत्सव अयोध्या में करते हैं। इस वर्ष और भी भव्य होने की उम्मीद है अगर इस महामारी से हम निपट सके तो। बिंदु दारा सिंह और जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, मेरा एक निवेदन है, पिछली बार भी हम लोगों ने किया था कि आप सब, ये अद्भुत प्रयास है राजेश का, इसमें आशुतोष राणा जी और राजा बुंदेला सर जैसे लोग इसमें जुड़े हैं, एक स्क्रिप्ट 2 या 3 घंटे की बने और पूरी एक रामायण बनाई जाए और उस रामायण को हम देश और विदेश में हम लोग उसको प्रस्तुत करें जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतिबिंब हो। अभी तक दुर्भाग्य है कि कोई भी रामायण की एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है। बैले के रूप में रामायण जरूर वो श्री राम भारती कला केंद्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम एक संवाद वाली रामलीला करना चाहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सब देश की एक रामलीला है और मानक रामलीला है, लेकिन भारतवर्ष में जो अयोध्या या उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत जिसके लिए मान्य है वो नहीं हो सकता। और बिंदु जी के साथ दारा सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ है और ये रोमांचित करता है, उस रामायण को यह की याद दिलाता है जिसके सब में पूरे सड़कें सूनी हो जाती थी। तो अगर हम चाहते हैं हम लोग एक बहुत अच्छा एक रामलीला बनाई जाए हम लोग मानक, और इस अवसर से मैं बार बार निवेदन करना चाहूंगा। अब मैं सुनना चाहता हूँ केवल अपने कुछ अनुभव उस दिन के बताना चाहूंगा जो 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन था हम लोगों के लिए। राम केवल एक वो मंदिर नहीं है 70 एकड़ का, राम का जो मंदिर है वह एक सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उस दिन हम लोगों ने डाक टिकट भी जारी कराया है, आवरण भी जारी कराया है, उस आवरण को हम राजेश जी को भेजेंगे, पता हमें मिल जाएगा रेजिडेंस का, तो सभी को हम अपने तरफ से एक सबके घर पर हम उस टिकट को भी भेजना चाहेंगे जिसमें जो रामायण का जो विस्तार है, जो अमेरिका में, मध्य अमेरिका में, जो पाताल लोक में, एक होंडुरस में जो हमारी रामायण संस्कृति का चिन्ह मिल प्राप्त होता है, इटली में जो प्राप्त होता है, मध्य पूर्व ईरान इराक में जो प्राप्त होता है, उनके चित्रों को हम लोगों ने
टिकट के रूप में, आवरण के रूप में हम लोगों ने प्रकाशित किया, जिसको कि आप अगर देखे होंगे उस दिन, जो लोग भी लाइव प्रसारण देखे होंगे, नहीं तो मैं उसको कॉपी भी भेज सकता हूँ, जो इन्हें जिसे डाक टिकट के रूप में जारी किया। देखिए अभी तक करीब 3 महीने से हम लोग लगभग वेबिनार और अन्य माध्यमों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा एक प्रयास था इंसाइक्लोपीडिया के रूप में इसकी मान्यता मिल जाए, इसकी मान्यता मिले। और जब अयोध्या में 5 अगस्त को जन्मभूमि के परिसर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने वक्तव्य में, उनके वक्तव्य को भी अगर आप ध्यान से देखें, वो सारा वक्तव्य इंसाइक्लोपीडिया पर ही आधारित था, और उन्होंने डाक टिकट जारी किया उस वक्तव्य को, और उसको भी मैं आपको प्रेषित कर सकता हूँ। अब हमको इंटरनेशनल लेवल पर अयोध्या शोध संस्थान के इस इंसाइक्लोपीडिया के कार्य को एक मान्यता मिल चुकी है। अब मैं चाहूंगा कि सारे लोग इसमें एक विशेष रूप में शोध करते हुए इसमें जुड़े और इसका आकलन करके हम लोग इसको प्रकाशित कर सके। इंसाइक्लोपीडिया की जो योजना है वो विश्वकोश एक किताब है जो शोध कार्य के रूप में है, लेकिन हम जो रामायण इंसाइक्लोपीडिया बनाना चाहते हैं वो सनातन संस्कृति का एक जीवंत रूप होगा, जो एक ब्रिज होगा। जैसे राम जी ने लंका और भारत के बीच में एक ब्रिज बनाया और उससे अपनी सेना को पार किया, इसके बाद उन्होंने लंका का दहन किया, रावण का वध किया। तो ये जो ब्रिज है जो असंभव है, जो ब्रिज जो राम जी ने बनाया था वो भी असंभव था। उस ब्रिज में आवाज बहुत सी आ रही, बहुत सी आवाज आ रही है। सर मैं म्यूट कर रही हूँ। जो राम सेतु बनाया था राम जी ने, उस राम सेतु संभव कार्य को उन्होंने उस माध्यम से किया था कि कभी समुद्र में न पुल उसके पहले किसी ने बनाया था, न समुद्र में उसके बाद किसी ने पुल बनाया, लेकिन इसको असंभव कार्य को करने के बाद उन्होंने जिस तरह से अन्याय पर विजय प्राप्त की, वह संदेश पूरी दुनिया में व्याप्त हुआ है। अब बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न चिन्ह करते हैं कि राम का जन्म हुआ, राम उसी जगह पे पैदा हुए, राम सेतु क्या हुए, राम सेतु क्या उन्होंने बनवाया था, मानव निर्मित है या स्वतः है बना बन गया है, इसे बहुत सारे प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों के उत्तर में हम अपने को बचाना नहीं चाहते हैं। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये सब निरर्थक प्रश्न है। हम अपना जो भी खोज करें या जो भी कार्य करें वो संकलन के लिए करें, एक्शन में करें, ना कि रिएक्शन में करें। हमें किसी को प्रमाणित करने की, हमारे पूर्वजों को, हमारे राम को प्रमाणित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इसका एक संकलन बनाएंगे, हम वेबसाइट में भी डालेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जैसे जितनी रामलीलाएं होती हैं, उन सभी रामलीलाओं पर हम 500 शब्दों में एक संकलन करें, उनका 4-5 फोटोग्राफ इकट्ठा हो, उसकी पूरी परंपरा, उसके बारे में सारी चीजें हम एक नियम के अनुसार हम संकलन करेंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको एक विषय देते हैं, जैसे बिंदु दारा सिंह जी के जो मित्र हैं, या जो लोग भी जुड़े हैं, फिर शैलेंद्र जी के जो पुत्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सिनेमा में जो रामायण का जो प्रभाव है, इस पर भी एक बहुत अच्छा अंक निकल सकता है इंसाइक्लोपीडिया का, कि सिनेमा में पहला सिनेमा कौन था, उसके कौन से लोग थे, फिर सिनेमा जैसे जैसे विकसित हुआ, टेलीविजन का तो कहना ही नहीं था, जो मतलब रामायण सीरियल जारी हुआ तो उस समय जो जिस तरह सड़कें बंद हो जाती थी, आज जब कोविड के समय वो उसका पुनर्प्रसारण हुआ तो लाखों लोगों ने उसे फिर से देखा, और सबसे बड़ी बात हुई कि उसने हमारे किशोर और बच्चों पे भी बहुत प्रभावित किया। 2-2 साल के बच्चों का जो मैं उस गाने को सुनता हूँ, लवकुश कांड का जो गाना रामानंद सागर जी ने जो प्रसारित किया था, तो अभी 2-2, 3-3 साल के बच्चे उस सुर में उसको हम कथा सुनाते हैं, किसी भी बच्चे को आप कहिए तो वो कथा सुनाने लगता है सुर में, तो इसका एक बहुत बड़ा जीवन प्रमाण है। मैं एक चीज और भी आप लोगों से बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में
हमारे सो कॉल्ड धर्म निरपेक्षता के कारण रामलीला या रामायण उसको एक विशेष चश्मे से देखा जाता है, देखा जाता रहा है। लेकिन भारत के अलावा दुनिया के हर देश में रामलीलाएं स्कूलों में किया जाना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अमेरिका में 42-42 सालों से बच्चे लगातार रामलीला कैलिफोर्निया में, कनाडा में, यूरोप में वो रामलीलाएं करते हैं और उनके पाठ्यक्रम में शामिल है, कोकुलर एक्टिविटीज में शामिल है। तो इस तरह से वहां पर मानव मूल्यों के लिए सबसे पुराने अगर कोई आदर्श हैं तो वो यूरोप अमेरिका मानते हैं कि राम ही है। हमारे यहाँ उनको नहीं मानते थे, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस राम जन्मभूमि परिसर में शिलान्यास करते हुए विभिन्न 40 रामायणों का धारा प्रवाह उन्होंने जिक्र किया, जरूर मेरा निवेदन है कि आप लोग YouTube में उस भाषण को जरूर सुने जिसमें उन्होंने 40 रामायण का और देशों प्रदेशों के साथ साथ जिन रामायणों का जिक्र किया है। रामायण हजारों हो सकते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह जो मान्यता प्रदान की है ये हमें गर्व का विषय देती है। हम सब इस बात को माने, प्रधानमंत्री जी ने एक शीर्ष स्तर पर इस बात की उन्होंने मोहर लगा दी हमारे टिकट को कि वो इंसाइक्लोपीडिया का जो टिकट है वो उन्होंने मान्य किया। सारे यूरोप, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और भारत में रामायण की परंपरा मान्य की गई। अब हमारा दायित्व शुरू होता है इसके बाद कि जब भारत का शीर्ष नेतृत्व इस पर मुहर लगाता है तो हमारा दायित्व है कि इसे हम एक संरचनात्मक, एक रचनात्मक, एक उपयोगी रूप में हम आम आदमी के रूप में प्रस्तुत करें जो भविष्य की पीढ़ी के लिए 100 साल, 1000 साल के लिए यह एक दस्तावेज बनेगा। मेरा एक निवेदन है कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन राजेश जी ने सभी विशेषज्ञों को जो एकत्रित किया है, आप केवल जो भी, ये तो एक बहाना है कि रामलीला के रंगशाला में हम एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना योगदान कुछ भी कर सकें, गिलहरी का जो तीन उस पर चिन्ह दिखाई पड़ता है गिलहरी पर, वो राम जी का विशेष प्रसाद था कि जो अपने बालू को समुद्र से ला करके वो राम सेतु में जिसने प्रयोग किया। तो गिलहरी के रूप में भी अगर आप लोग अगर छोटा मोटा सहयोग करें, मेरा एक निवेदन है कि जितने भी हमारे समकालीन लोग हैं वो सब इसको एक महायज्ञ समझ करके, एक महासेतु समझ करके, जो भी उनके मंदिर में भावना है, जो भी जानकारियां एकत्रित हैं, जिन भी विशेषज्ञों के बारे में मालूम है कि ये हमारी मदद कर सकते हैं, उनका भी सुझाव सलाह हमें दें। उस सुझाव और सलाह पर हम अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे। मैं फिर से राजेश जी को और सारी टीम को और सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, मेरी योजना को आप सुन रहे हैं और ये बड़ी राष्ट्र की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना है। इसमें अपनी सहभागिता, अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद दें। राजेश जी की इस टीम से जो रंगशाला रामलीला की जो जुड़ रहे हैं उनसे मेरा बार बार अनुरोध है, एक स्क्रिप्ट लिख करके एक रामायण बनाए जरूर। उस रामायण को हम दिल्ली में, लखनऊ, अयोध्या में और भारत के साथ साथ विश्व में भी हम उसको एक मॉडल रामलीला के रूप में हम ले जाना चाहेंगे। धन्यवाद।